नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। शंकरगढ़ के श्रीराम वाटिका में उद्योग व्यापार कल्याण समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। आइए आपको ले चलते हैं प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ की ओर, जहां शंकरगढ़ में उद्योग व्यापार कल्याण समिति के तत्वाधान में व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने शपथ ग्रहण की है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें नवनियुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी ने कहा कि मुझ पर भरोसा करके मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका मैं तन मन और धन से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और इसके साथ सभी व्यापारी भाइयों के सुख दुख में उनके साथ रहूंगा। मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश संयोजक संतोष पनामा ने कहा कि व्यापारी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी व्यापारी आपस में भाई बहन हैं। मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश संयोजक संतोष पनामा ने कहा कि व्यापारी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी व्यापारी आपस में भाई भाई हैं, उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतीश केसरवानी व संचालन सुरेश भाई ने किया। कार्यक्रम में चेयरमैन पार्वती कोटार्य, SP संतलाल सरोज, प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, सुधा गुप्ता, अनुपमा वैश्य, मूलचंद गुप्ता, रतन केसरवानी, सुजीत केसरवानी, पंकज गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, मनोज केसरवानी, धीरज वैश्य, इंद्र श्रीवास्तव, प्रांजल केसरवानी, नितेश केसरवानी, मुखिया केसरवानी, सचिन वैश्य, अनूप केसरवानी, विजय केसरवानी आदि रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि संगठन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन को निष्ठा के साथ संगठन को बढ़ाने में तन मन और धन से प्रयास करूंगा। सर, आज नए संगठन का गठन हुआ है, इसमें शंकरगढ़ व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शंकरगढ़ व्यापारियों को संदेश देना चाहता हूँ, नया संगठन की जिम्मेदारी अगर आपने ली है, व्यापार मंडल एक सामान्य से जुड़ा है, सामान्य से सामान्य समस्या का हल करना होगा और बड़े से बड़े की समस्या का हल करना होगा। और शंकरगढ़ व्यापार मंडल को मैंने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, स्वयं खींचा है, स्वयं परवरिश किया है। आज मैं देख रहा हूँ कि यौवन पर आ गया। मेरा एक ही संदेश है, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में तत्पर रहें, जब आपसे ना हो सके तो मुझे जरूर सूचित करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शंकरगढ़ के एक एक व्यापारी के साथ मैं हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, उनकी समस्या का समाधान। नए संगठन से क्या उम्मीद है? नए संगठन बहुत अच्छा कार्य करेगा, चाहे जमुना पार का संगठन हो, आज यहाँ पर एक संगठन नहीं डिक्लेयर हुआ, नगर का हुआ, शंकरगढ़ नगर का, इसके अध्यक्ष अरवंद केसरी जी हैं, और उसके बाद यमुना पार का पूरा डिक्लेयर हुआ है। होगी जो है नरसिंह जी जो हैं पूर्व चेयरमैन, उनको प्रभार दिया गया है, मूलचंद गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया है, गंगा पार के राजेंद्र सिंह को जो है प्रभारी दिया गया है और मनोज मित्तल जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने यहाँ पर ये एक ऐसा त्रिवेणी बना है आज कि ये बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ से 3-3 व्यापार मंडलों का संगठन घोषित किया गया। निर्वाचित अध्यक्ष हमारे पुराने कोषाध्यक्ष हैं, उनके बारे में वो बिल्कुल व्यापारियों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उन्हें कोई समस्या नहीं, उन्हें पूरी जानकारी है क्योंकि पहले संगठन में रह चुके हैं। धन्यवाद। आपको इतना बड़ा दायित्व मिला है और इस आपने क्या सोचा, युवा है व्यापारियों के लिए क्या सोचा आपने? हम सभी व्यापारियों को एक साथ संगठित करके और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, हमेशा कोई भी दिक्कत होगी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा संगठन बहुत बड़ा है और बहुत मजबूती के साथ काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हम लोग इतनी भारी संख्या में पदाधिकारी हैं, किसी भी संकट को हम आसानी से हल कर लेंगे। युवा व्यापारियों को, क्योंकि आप युवा व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो हम लोग को तत्काल सूचना दें, हम लोग एकत्रित होकर
सभी समस्याओं का हल करने में सक्षम रहेंगे, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो। हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है, कहीं से कमजोर नहीं है, सारे व्यापारी एक हैं हमारे, कहीं से भी कमजोरी नहीं है।